बच्चों आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई करते हैं ना? वेरी गुड, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई करते हैं और कहना भी मानते हैं, है ना? बेटा आज हम त्रासे त्रिशूल लिखना सीखेंगे। त्रासे त्रिशूल, है ना? त्रिलोक, त्रिभुवन, त्रिभुज, त्रासे त्रिशूल। बहुत आसान है, जल्दी लिखना सीखेंगे, है ना? वेरी गुड, सब रेडी है ना? वेरी गुड बच्चों, सबसे पहले स्लीपिंग लाइन खींचो बेटा और एक स्टैंडिंग लाइन। त्रा बनाना सीख रहे हैं, त्रा से त्रिशूल, त्रा से त्रिभुज, है ना? त्रा से त्रिलोक, है ना? त्रिभुवन, त्रिज्या। त्रा लिखने का अभ्यास कर रहे हैं, क्या लिखना सीख रहे हैं? त्रा। इसको कैसे लिखना है? ऐसे करके एक तिरछी लाइन, कैसे? ऐसे, ठीक है? खींचो, फिर इधर से एक तिरछी लाइन ऐसे, त्रा। त्रा से त्रिभुज, त्रिशूल। त्रा लिखने का अभ्यास कर रहे हैं, क्या लिखना सीख रहे हैं? त्रा से त्रिशूल, है ना? वेरी गुड, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, कहना मानते हैं और लिखते भी हैं। स्लीपिंग लाइन खींचो, स्टैंडिंग लाइन खींचो बेटा, फिर इधर से ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके ऐसे खींचो, फिर इधर से ऐसे, त्रासे त्रिशूल, त्रासे त्रिज्या, त्रासे त्रिभुज, है ना? त्रा, त्रा लिखने का अभ्यास कर रहे हैं, है ना? फिर से लिखो बेटा, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर इधर से ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके, है ना? फिर इधर से ऐसे, त्रासे त्रिशूल, बोलो, त्रासे त्रिशूल, है ना? वेरी गुड, देखा है ना सबने त्रिशूल? बहुत अच्छे बच्चे, बहुत समझदार है। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बनाइए, इधर से अपन को थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके ऐसे मिलाना है, कहाँ पर? स्टैंडिंग लाइन पे, है ना? स्टैंडिंग लाइन से हमको एक तिरछी लाइन, त्रासे त्रिशूल, त्रासे त्रिशूल, है ना? वेरी गुड, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बनाइए, बहुत आसान है, ज्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है, है ना? आपको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके ऐसे मिलाइए, फिर एक तिरछी लाइन, त्रासे त्रिशूल, बोलो और बोल बोल कर लिखना है, है ना? फिर से लिखो बेटा, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बनाइए और ऐसे थोड़ा सा ऐसे घुमाव करना है, लाना है स्टैंडिंग लाइन से, है ना? फिर इसी स्टैंडिंग लाइन से अपन को ऐसे थोड़ा सा तिरछा, है ना? तो आपका बन गया त्रासे त्रिशूल। बहुत समझदार बच्चे, कहना भी मानते हैं और लिखते भी, है ना? वेरी गुड, अब आपके एग्जाम के पेपर आपके घर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखना है, है ना? आपको लिखना है, ठीक है? फिर से लिखो बेटा, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, थोड़ा सा ऐसे तिरछा किया आपने, लाइन से जोड़ा स्टैंडिंग लाइन से, फिर एक तिरछी लाइन, त्रासे त्रिशूल। एग्जाम लिखते टाइम बहुत सुंदर राइटिंग में बार बार मिटाना नहीं है, फाड़ना नहीं पेपर, है ना? बहुत सुंदर
राइटिंग है, आपको लिखना है, कहना मानना है मम्मी का, है ना। फिर से लिखो बेटा, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, आप क्या लिखने जा रहे हैं, त्रासे त्रिशूल, त्रासे त्रिशूल, है ना, त्रा लिखने का अभ्यास कर रहे हैं। फिर यहां से आपको ऐसे थोड़ा तिरछा करके स्टैंडिंग लाइन से जोड़ना है इस लाइन को, फिर इधर एक तिरछी लाइन, त्रासे त्रिशूल, बोलो त्रासे त्रिशूल। पढ़ाई अच्छे से करना, बहुत अच्छे मार्क आना चाहिए, है ना, वेरी गुड। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ आपको ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके स्टैंडिंग लाइन से जोड़ना है, फिर एक तिरछी लाइन, त्रासे त्रिशूल, त्रासे त्रिशूल, त्रासे त्रिभुज, है ना, त्रासे त्रिलोक, त्रिदेव, है ना, त्रा। फिर से लिखो बेटा, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, थोड़ा सा यहां से ऐसे घुमाव किया और आपको स्टैंडिंग लाइन से जोड़ना है, फिर एक तिरछी लाइन, त्रासे त्रिशूल, बोलो। फिर से लिखो बेटा, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और थोड़ा सा से तिरछा करके ले जाइए, फिर एक तिरछी लाइन, त्रासे त्रिशूल, बोलो त्रा, है ना। फिर से लिखो, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर आपको ऐसे थोड़ा सा तिरछा करकर इससे जोड़ना है स्टैंडिंग लाइन से, और एक तिरछी लाइन, त्रासे त्रिशूल, बोल बोल कर लिखना है ना, त्रा। फिर से लिखो बेटा, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, थोड़ा सा आपको ऐसे तिरछा ले जाना है स्टैंडिंग लाइन पे जोड़ना है, तिरछी लाइन, त्रासे त्रिशूल, बोल बोल कर लिखना है, ठीक है ना, वेरी गुड। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, थोड़ा सा तिरछा ले गए आप, फिर एक तिरछी लाइन, त्रासे त्रिशूल, बोलो और लिखो, है ना। फिर से स्लीपिंग लाइन, अब आप बोलना मैं लिखूंगी, बोल रहे हैं आप, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन, फिर एक छोटी सी तिरछी लाइन, कहां पर, स्टैंडिंग लाइन पर, फिर एक तिरछी लाइन, त्रासे त्रिशूल, बोल बोल कर लिखने से या जल्दी होता है बेटा। अब आपके एग्जाम चालू होने वाले हैं, आपको स्कूल द्वारा घर पर पेपर भेजा जाएगा, पेपर भेजते टाइम आप जब पेपर लिखेंगे तो बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना है ना, पेंसिल से लिखना है, बोल बोल कर लिखना है, ठीक है, गलती नहीं करना है, पेपर नहीं फाड़ना है आपको, ठीक है, ध्यान से पेपर लिखना है, मम्मी की बात मानना है, ठीक है बेटा, आपको त्रासे त्रिशूल बोल कर लिखना है ना, वेरी गुड बेटा, बाय।